चलिए बात करेंगे भिवानी विधानसभा क्षेत्र से। विधायक घनश्याम दास सराफ का दावा है कि बीजेपी 1987 के चौधरी देवीलाल के रिकॉर्ड को तोड़कर भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। घर सीएम के कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग उमड़ रहे हैं। परिस्थितियों में भी भिवानी के दो बार विधायक बने घनश्याम दास सर्राफ, विषम परिस्थितियां इसलिए बोला गया है जिस वक्त बीजेपी का हरियाणा में नामलेवा नहीं था उस वक्त ये नेता भिवानी के विधायक चुने गए थे, बने थे, और एक बार फिर से चुनावी मैदान में ना केवल ताल ठोकी जा रही है बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन क्रांति यात्रा का जो आशीर्वाद यात्रा है उसका यहाँ पर स्वागत करने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही। घनश्याम दास सर्राफ जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे आखिर किस तरह की तैयारियां जो है इस यात्रा की, इस रैली के लिए की जा रही है। इस यात्रा के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी अपना काम जो अब तक का पूरा कर चुके हैं, लोगों का साथ उनको चाहिए, ये लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। और मेरे हिसाब से अब की बार पार्टी अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी और भारी बहुमत से पार्टी विजयी होगी। कार्यक्रम है विधायक जी भिवानी की अगर बात करूं, आपके हल्के की अगर मैं बात करूं, लेकर 14 कार्यक्रम है, आखिरी कार्यक्रम घंटाघर चौक पे है जिसमें मुख्यमंत्री जी जनसभा को संबोधित करेंगे। चर्चाएं थी चंद मिनट पहले कि मुख्यमंत्री जी या जिस कार्यक्रम स्थल पर आएंगे, जिस जगह पर आएंगे, उस जगह पर बड़े बड़े दिग्गजों ने रैलियां की थी और जो वहां पर रैलियां करता है, जनसभाएं करता है, कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पहले जो भिवानी से मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता व अन्य नेताओं ने वहां पर रैलियां की और उन रैली का मतलब होता था कि जीत उनकी निश्चित हो गई। पिछत्रपार की बात कही गई थी, आपके आंकड़े क्या कहते हैं, पिछत्रपार या ऊपर नीचे हो जाएगा? चौधरी देवीलाल का 1987 का रिकॉर्ड हम तोड़ने जा रहे हैं और इसमें अतिशोक्ति नहीं है क्योंकि हर जगह की जनता हमारे साथ खड़ी है। घनश्याम दास सर्राफ भिवानी से बीजेपी के एमएलए हैं लगातार दो बार, अब भी सीटिंग एमएलए हैं और लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं ताकि वो अधिक से अधिक मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दे भी सकें और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद ले भी सकें। कैमरा पर्सन चकमेंद्र के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।